कोटा कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड 108 की आज इस आम सभा पर हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष और ऐसे अध्यक्ष जो कोटा बूंदी के लोग जिनके हृदय में वास करते हैं और कोटा बूंदी के लोग जिनके हृदय में वास करते हैं और हम भी उन्हें अपने हृदय में रखते हैं आदरणीय ओम बिड़ाई परम श्रद्धे कर्मचारी सहकारी लिमिटेड 108 के अध्यक्ष बाऊजी मंचासी आदरणीय पूर्व सांसद विजयराज सिंह जी साहब विधायक आदरणीय श्रीमती चंद्रकांता जी मेघवाल आदरणीय डोगरा साहब आदरणीय महापौर साहब आदरणीय राजेश भाई साहब आदरणीय अमिता भाभी जी पंचासी कलेक्टर साहब कमिश्नर साहब आईजी साहब और सभा के सचिव विमल जी जैन साहब गिरीशकांत जी भट्टागर साहब और मेरे समक्ष उपस्थित सभी सहकारी समिति के सदस्यगण बहनों और भाई पहला परम हर्ष का विषय तो यह है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के उपरांत आदरणीय ओम भाई साहब कोटा दूसरी बार पधारे हैं और जिसकी सभी कोटावासियों की को बहुत अपेक्षा थी कि आदरणीय ओम बिरला जी राष्ट्रीय स्तर पर इस कोटा का नाम गौरवान्वित करें। निश्चित रूप से आज हम सभी कोटावासी गौरवान्वित हुए हैं और हमारे सीने गर्व से ऊपर हो जाते हैं जब हम लोकसभा स्पीकर के रूप में उनको बैठते हैं बैठा देखते हैं और वो क्षण जब बहुत सारे लोग दिल्ली में थे 19 जून जब पहली बार लोकसभा के रूप में अध्यक्ष के रूप में आदरणीय ओम बिरला जी लोकसभा में खड़े हुए और बहुत सारे लोग जो कोटा पर इस कार्यक्रम को देख रहे थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिरला जी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष की सीट पर बैठाने आए और उसके बाद जब उन्होंने उद्बोधन दिया मैं समझता हूँ कोटावासियों के रोंगटे खड़े हो गए थे और हर्ष के कारण सभी कोटावासी बहुत प्रसन्न हुए। मुझसे पूर्व आदरणीय धारीवाल जी अपना उद्बोधन दे रहे थे आदरणीय राज सिंह जी ने भी उद्बोधन दिया। हमारी ये समिति सिर्फ बाऊ जी की और आप सभी के देन तो है ही परंतु इसमें बाऊ जी का अथक परिश्रम और परिश्रम के साथ साथ सिर्फ यही समिति नहीं ऐसी कोटा की कई सहकारी समितियां चाहे वो कोटा कोऑपरेटिव हो चाहे वो शिक्षा सहकारी समिति हो महिला नागरिक बैंक हो एक भी संस्था ऐसी नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके और उन सब के पीछे मैं समझता हूँ श्रद्धे बाऊ जी का जो आशीर्वाद है और जो संस्कार है उसमें काम करने वाले लोग हैं उसके सदस्यगण हैं वो उससे प्रेरित होकर लोगों को उत्थान के लिए काम करने वाले लोग हैं। मैंने विधानसभा में एक प्रश्न पूछा था अभी सहकारी समितियों के यह हाल है साथ बंधुओं कि उस प्रश्न में ये जवाब आया 3262 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन के और घोटालों के मुकदमे चल रहे हैं और मात्र अभी तक सरकार के द्वारा 32 मुकदमों में कार्रवाई कर पाए जिसमें से मात्र 40 लाख रुपए की रिकवरी हुई।
तो आज हर्ष होता है जब ऐसी संस्था 99 वर्ष से काम कर रही है और आज जब से बाबू जी ने संस्था को संभाला है कोई व्यक्ति एक उंगली संस्था के ऊपर नहीं उठा सकता और प्रत्येक कर्मचारी गण इससे इतने लाभान्वित हुए हैं आर्थिक रूप से और हर प्रकार से। तो निश्चित रूप से आज मैं इस अवसर पर हम सभी आदरणीय बिरला जी को सुनना चाहते हैं, तो मैं सभी हमारे जो सदस्यगण है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस अवसर पर और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आदरणीय ओम जी बिरला साहब तक पहुंचे उससे पहले मैं निवेदन करूंगा केशोराय पाटन की लोकप्रिय विधायक महोदया श्रीमती चंद्रकांता जी मेघवाल। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में सभा नंबर 108 का जो हमारा कार्यक्रम है, तो आप यूटर्न कई वर्षों से लेकर के ना पहली अनवरत चला आ रहा है इस कोटा की धरती पर और आज हमारा सौभाग्य है 30 नंबर का मकान है, किस हाड़ोती के लाडले 30 नंबर मकान है मेरा, जो देश के सर्वोच्च सदन में इस कोटा का इस हाड़ोती का नाम रोशन करके स्पीकर के रूप में बैठे हैं उनका सानिध्य हमें यहाँ पर मिल रहा है। इस कार्यक्रम के अवसर पर मंचासीन सम्मान्य स्पीकर साहब आदरणीय भाई साहब ओम कृष्ण जी बिरला, सम्मान्य भाई साहब बाबूजी आदरणीय श्री कृष्ण जी बिरला जो सभा नंबर 108 आके अध्यक्ष हैं, हमारे कोटा दक्षिण से विधायक भाई संदीप जी, पूर्व सांसद महोदय महाराजा साहब सम्मान्य जरा सिंह जी, हमारे बूंदी के विधायक अशोक जी डोगरा साहब, बहन कल्पना जी जो हमारे लाडपुरा की विधायक हैं, सम्मान्य कमिश्नर साहब आईजी साहब कलेक्टर साहब हीरालाल जी भाई साहब भी हमारे प्रथम नागरिक महापौर साहब भी उपस्थित है, सॉरी बहन सूरज भाभी जी अमिता भाभी जी मंजू भाभी जी सभी सम्मानित मंच मेरे सामने उपस्थित इस सभा नंबर 108 आर के सभी सदस्य जो आज यहाँ पर उपस्थित है, सभी वरिष्ठ महानुभाव मीडिया के मेरे सभी भाई, सभी को मेरा राम राम। जैसा कि मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने सभा नंबर 108 का जिक्र किया, निश्चित तौर पर सरकारिता के लिए इस हाड़ोती के अंदर मैं कहूंगी अगर किसी ने आंदोलन खड़ा किया या किसी ने इसके बारे में गांव की गरीब जनता को अगर जानकारी दी तो हम सम्मान्य ओम जी भाई साहब का नाम लें तो इसमें कोई दोराई नहीं। 15 साल तक मेरा कोटा की राजनीति से नाता रहा, तो मैं जब भी भाई साहब विधानसभा में बोला करते थे मैं उनसे पूछती थी कि आप शहर के विधायक हो लेकिन सहकारिता के बारे में आपको बहुत जानकारी है, ऐसे ऐसे सवाल जवाब किया करते थे। जब कभी मांग पे चर्चा होती थी या हम लोग बजट पे बोलते थे तो निश्चित तौर पर भाई साहब इस बात को बहुत प्राथमिकता के साथ लिया करते थे और आज हमें देखने को मिल रहा है कि जिस आंदोलन में मैं कहूँ कि अगर देश आज़ाद होने के पहले कोई आंदोलन चला तो मात्र और मात्र सहकारिता का वो आंदोलन था जो एक वट वृक्ष के रूप में इस हाड़ोती की धरती पर खड़ा है और निश्चित तौर पर इस परिवार की बहुत भूमिका रही है जिन्होंने, क्योंकि संगठन बहुत सारे होते हैं लेकिन संगठन मजबूती के साथ काम करे, ईमानदारी के साथ काम करे और एक सबके लिए और सब एक की भावना को लेकर काम करे तो निश्चित तौर पर ऐसे आंदोलन तो आज इतना बड़ा वटवृक्ष के रूप में खड़ा होकर यहाँ की गरीब जनता को संबल प्रदान कर रहे हैं। मैं आज के दिन कहना चाहूँगी कि श्री कृष्ण जी भाई साहब, हमारे राजेश जी भाई साहब, बहन सूरज जी, मंजू जी, अमिता जी और बिरला जी भाई साहब की जो इस सहकारिता के को खड़ा करने में जो भूमिका रही है इसको कोटा कभी नहीं भुला पाएगा। मैं आज के दिन यही कहूँगी पूरे जो हमारे 5000 से ज़्यादा इसके सदस्य हैं उन सबको कहूँगी कि आप लोग कुछ किस्मत हो जिसको एक ऐसा नेतृत्व मिल रहा है जो नेतृत्व उस गरीब के बारे में चिंता कर रहा है, भ्रष्टाचार से दूर रहकर इस सहकारिता को लाभ में लाने का जो काम किया है
क्योंकि अभी संदीप जी वैसा बोल रही थी, मैं केशवराय पाटन से विधायक हूँ और मैंने एक छोटे से गांव की, उस गांव का मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगी, लेकिन वहां के एक सहकारी, एक ऐसे सहकारी एक छोटे से गांव के अंदर कि 2 करोड़ के नुकसान में चल रही है। आप देखिए 2 करोड़ का नफा नुकसान किसानों का, तो हम कौन सी सहकारिता की कल्पना कर सकते हैं? उस गांव के गरीब किसान ने किस तरह से उस पैसे को इकट्ठा किया होगा और किस तरह से जीएसएस के अध्यक्ष पूरे पैसे को हथिया कर इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके बैठ गए और जिस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। तो मैं कहना चाहूंगी कि भाई साहब, आपने हमेशा सहकारिता के भाव को अपने मन में जागृत किया है, पूरी हाड़ौती आप पर निगाह लगाकर बैठी है। इस कोटा की हाड़ौती की धरती पर निश्चित तौर पर शोभा में 4 चांद लगेंगे, विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और आपने दिल्ली के अंदर जाकर संसद के इतने बड़े पद पर, आप, मैं कहूंगी कोटा का सौभाग्य, आप सुशोभित हो रहे हो। तो आपके अनुभवों का लाभ लेते हुए ये कोटा दिनों दिन उन्नति करे, यही बात कहते अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। और सबसे बड़ी खुशी मुझे जब हुई, जब मैं एक दिन राजेश जी भाई साहब के इसी कार्यक्रम में 2 साल पहले आई थी, तो उनसे मैं बोल रही थी कि नेताओं को कोई लोन नहीं देता, वो डर के लोन देते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं भी लोन लेने आती हूँ या कर्जा लेने आती हूँ तो मुझे भी दोगे? तो हीरा लाल जी भाई साहब और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहन जी, मुझे भी आवश्यकता होती है तो मुझे भी यहाँ पर ऋण मिलता है, यह बहुत खुशी की बात है। मैं परम पिता परमात्मा से इस सहकारिता के लिए, सभा नंबर 108 के लिए यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि दिनों दिन ये संस्था और प्रोग्रेस करे, इस कोटा की धरती पर, इस हाड़ौती की धरती पर उस गरीब जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है उसको भी लाभ मिले। इसी बात के साथ जय हिंद जय भारत, सभी को मेरा बहुत बहुत आभार। लीजिए उस पल की तरफ मुड़ते हैं